बड़ा जा क्लस्टर जैसे बॉम्बे है, सूरत है, इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर आ जाएंगे तो ऑल कारीगर का हाथ में ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, ये बाकी जो नया टेक्नोलॉजी है, उसका उनका रीच के अंदर आ जाएंगे और वो उसका भी सुविधा ले सकते हैं। सबसे बड़ा खूबी और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का क्या है, चलाता है ये लोकल एसोसिएशन, काउंसिल खाली बना देते हैं, बना के वी जस्ट मूव आउट, और वो बनाने के लिए पैसा आता है सरकार से। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है, ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है कि भाई इधर बना दिया, आप कोई पॉलिटिकल कैपिटल ले लिया, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा, बिकॉज हम लोग काउंसिल है, हम लोग एग्जैक्टली जानते हैं वो चलेगा किधर, नहीं चलेगा किधर, फिजिबिलिटी स्टडी होता है। हम लोग देखते हैं कि वो लोकल कारीगर एसोसिएशन या जो भी एसोसिएशन है, वो सक्षम है कि नहीं, वो चलाएंगे कि नहीं, उनका कितना इच्छा है, उसके बेसिस में हम लोग, और उसका कितना पॉसिबिलिटी है चलने का, उसका बेसिस में हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि उधर पर वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा कि नहीं, और होने के बाद वो चला रहे। हमारा जो 4 कॉमन फैसिलिटी सेंटर खाली लास्ट 2 साल में 3 साल में हुआ है, सब कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रॉफिट में रन कर रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लोकल एसोसिएशन ही चला रहा है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो फंड एक जगह पर रहता है, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए वो यूज़ करते हैं, कैसे उसका नया मशीन लाएगा, कैसे बढ़ावा जाएगा, ऐसा है। और ये हमारा गवर्नमेंट के साथ जो प्रयास था, जो हमारा मेंबर था, उधर से जो सुना है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग जो किया है, और इतना दूर तक इतना हम लोग ऑलरेडी साधन कर लिया है। देखिए, रिप्लेनिशमेंट स्कीम का जो स्टार्ट हो गया है, देन पेमेंट ऑफ IGST जो रीइंपोर्ट के लिए जो मिलता नहीं था उसके लिए जो है वो भी हम लोग सॉल्व कर लिया है। जो बॉन्ड डिस्चार्ज, जो छोटा छोटा बेसिकली ज्वेलर जो गोल्ड नहीं मिलता था उसके लिए बॉन्ड डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग हल कर लिया है। और CVD और IGST के लिए बॉम्बे जैसा जगह में, दिल्ली जैसा जगह में हजारों आदमी को नोटिस मिला था, वो नोटिस को हम लोग विड्रॉ कराया है। और ये जो हमारा ITHC लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड्स के अंदर जो कोड है, अलग अलग कोड बनाया है, तो ये सब जो है IGST के लिए, देखिए इतना सब जो इसमें जो कम होने का है, जैसे रिडक्शन ऑफ 5% 1% जॉब वर्क के ऊपर 5% से 1.5% तक कर दिया है। तो ये जो भी हम लोग किया है लास्ट एक साल का, क्योंकि हम लोग साल टू साल दास्ता देते हैं, ये हम लोग लास्ट 1-2 साल में इतना कर दिया है। अभी क्या करने का प्रयास है, ये है जो अभी हम लोग गवर्नमेंट के साथ ये सब चीज़ लेके ऑलरेडी काम कर रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो हम लोग काम कर रहे हैं कि जो ज्वेलरी का इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो हमारा 4.5% से 4% करने का जो डिमांड है, उसके ऊपर हम लोग बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और एक जो काम हम लोग कर रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं। टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम क्या है, बहुत ईजी है कि आपका छोटा एक फैक्ट्री है, छोटा फैक्ट्री को आपको अपग्रेड करने का है, आपके पास पैसा नहीं है, बैंक से लोन मिलता है बहुत सस्ते से, गवर्नमेंट से थोड़ा ग्रांट मिलता है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो पॉलिसी गवर्नमेंट को, जैसे टेक्सटाइल में किया है, लेदर में किया है, ऐसे हमारा सेक्टर में भी करने के लिए गवर्नमेंट के पास हमारा डिमांड है। वो डिमांड हम लोग ऑलरेडी उसको लेके भी वर्क कर रहे हैं। तो अभी तक को जो हम लोग काम किया है, जो है आप लोग, हम लोग हर साल हम लोग डिस्कस करते हैं, ये करके हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी आपका लीडर लोग उधर बैठा है, आपका जो क्वेश्चन है जैसे है आप लोग आगे जा सकते हैं। थैंक यू। सर नमस्कार, मैं अशोक सूरी दिल्ली से। अभी जैसे सर ने CFC के बारे में बताया, तो ऑलरेडी हमें इसकी हमारी मीटिंग हुई है और हमने इसको काफ़ी नज़दीक से समझने की भी कोशिश की है और समझा भी है। इसमें मेरा आपसे अनुरोध भी है और सुझाव भी है। अभी जैसे सर ने बताया कि 42 एसोसिएशन ने टाई अप करके और परिचय कार्ड बना लिया है इस स्कीम को, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि नज़दीक से शायद हमने ही समझा है, 2 एसोसिएशन और हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं नॉर्थ में, कम से कम जो हैं पूरी नॉर्थ की 7 स्टेट की, उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए, और इसको बड़ी आप जो लगाना चाह रहे हैं वो लगाइए,
इसको छोटे टुकड़ों में भी आप डिवाइड कीजिए, इसको सर थोड़े से छोटे, जैसे कारीगर के लिए सर ने बताया कि मेन कारीगर की ये जरूरत है, तो उसके लिए आप टेंच की मशीन, डायमंड की पहचान की मशीन, टेंच पहचान की मशीन, कैडकैम की मशीन और इसके साथ लेज़र की मशीन, इस तरह के छोटे छोटे एसोसिएशंस को ये प्रोडक्ट लगा के दे दीजिए। फिर उन एसोसिएशन से आपको जो फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग उनको धीरे धीरे बढ़ाइए, बजाय कि आप बड़ा सेटअप जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगाएं, लेकिन छोटे छोटे सेटअप में भी अगर ये कारीगरों को बांटेंगे तो वह GJEPC के साथ जुड़ जाएंगे। मेरा ये अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें आप थोड़ा। नहीं, इसका जो आपका जानकारी है ना, ये जानकारी देने के लिए हम हमारा नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस को एक्टिवेट कर देंगे, आप हम लोग को दे दीजिए, आपके साथ हम लोग भेंट कर लेंगे कि कौन कौन एसोसिएशन आप बोलना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम वो एसोसिएशन को इसका जानकारी दे देंगे। और बाकी जो स्कीम है, देखिए हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं, जो हमारा चेयरमैन भी है हमारे साथ, हम लोग किसी को जोड़ने के लिए कुछ किया नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा काउंसिल का भी भविष्य नहीं है। तो जितना ये लोगों को इसलिए किया है, कोई हमारा मेंबर नहीं है, कोई हमको एक रुपया का चंदा नहीं देते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए करना है इतना। और जो इंडस्ट्री के लिए जो हमारा बोर्ड जो समझते हैं कि ये भला है तो हम लोग करते जाएंगे, यही है। तो आपका एकदम सुझाव वेलकम है, तो ये इमीडिएटली हम लोग ये जितना एसोसिएशन है करके उनके साथ MOU में चले जाएंगे। थैंक यू। मैं रवि वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय सहकार संघ, मैं कुछ समस्याओं को आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ GJEPC का, चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी का, अशोक सूरी जी का, कंडेल साहब, सोट सेठ साहब और जितने भी सम्मानित मंच है, कि आपने बहुत गोल्ड के संदर्भ में जो समस्याएं हैं 22 तारीख को 23 तारीख को इतना बढ़िया आयोजन आपने किया, इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान के जो स्वर्णकार कारीगर हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं उनसे भी हम आपको अवगत कराएं और आपके द्वारा आप सरकार को अवगत कराएं कि जो आज का कारीगर है वो बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, और वो ऐसी समस्याएं हैं कि अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं वो इस पेशे को छोड़ के नहीं जाएंगी, क्योंकि बुनियाद अगर कच्ची होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं बनेगी। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर स्वर्ण आभूषणों में नाम है तो वो हिंदुस्तान का है, चाहे वो कथक की कारीगरी हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे जयपुर में कुंदन का काम हो, और ऐसी आगरे में भी जो हमारे हिंदुस्तान के आभूषण है, जो अपने हाथ के हुनर से आभूषण बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मेरा ये सुझाव है आपसे कि उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनके जो काम के अंदर जो गैस लगती है उसके अंदर उनको सब्सिडी मिले, और जो अपना जेवर अगर दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ में उनको किराए में भी उनको छूट मिले, इस तरीके की एक सुविधा आप सरकार से लें। दूसरा, कस्टम ड्यूटी जो हमारा बढ़ रही है 12.5% हो गई है, उसमें भी दिक्कत है। तीसरा, 20 कैरेट हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अब तक जो बिकता आया 20 कैरेट का आभूषण है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी सरकार को इस बारे में अवगत कराएं कि 20 करोड़ के आभूषण को भी लागू करें। दूसरा, पांचवा, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पेशे में है, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, 411-12 को लेकर जो पुलिस हमारा हरेसमेंट करती है, इस पर भी आप सरकार को, ये धारा ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है, जो हमारा पुलिस उत्पीड़न करती है इस धारा को लेकर, इसमें आप संशोधन करा सकते हैं कि इसके अंदर इस तरीके का संशोधन है, हम उन विचारों से आपको अवगत करा देंगे कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए। दूसरा, छठा सवाल मेरा यह है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोज कहीं ना कहीं हत्या और लूट हो रही है, हमारी हत्या करके भी हमारे माल को लूट लिया जाता है, और जहाँ भी ये अभी दिल्ली के अंदर 3 हत्याएं हो गई हैं और दुकान की दुकान लूट के ले गए हैं,
आज तक ना तो उनकी माल की रिकवरी हुई है और ना ही वो बदमाश पकड़े गए हैं। इस बारे में भी आप सरकार को अवगत कराएं कि भाई ये जो आतंक के साए में हम लोग व्यापार कर रहे हैं कि कब किसकी हत्या हो जाए, किसको माल लूट के ले जाएं, ये बदमाश पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस निष्क्रिय रहती है, पुलिस माल बरामद भी कर लेती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पुलिस ने माल बरामद कर लिया। और अपनी सुरक्षा के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए, मैंने भी कई दफ़े DGP को पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि जो स्वर्णकार का पैसा कर रहा है, सर्राफ का पैसा कर रहा है, उसको शस्त्र लाइसेंस अनिवार्य कर देना चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं आपको, जो आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 नमस्कार, मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आपने जो अभी बताया ये बहुत अच्छा बताया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोकल जो आपका पॉलिटिक्स है, चाहे लोकल जो आपके DG है जो भी है, वो इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, लेकिन आप हमें राइटिंग में दे दीजिए और हमारे एंड से क्या कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। सर जो मैं सोने का कारीगर हूँ, जो सोने का कारीगर मैं तकरीबन 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, जो 20 साल के पहला हर सोने का कारीगर खुद का कारोबार था, खुद कुछ कस्टमर लगा के उनके पास कुछ ऑर्डर देकर वो जो बेहतरीन ज़िंदगी जीता रहा। अब जो सोने का कारीगर हल्का हल्का वो कस्टमर कम होकर और काम भी कम हो जाकर बहुत से दीन स्थिति में है, बहुत मुश्किल में है। और एक बात, जो हम कम काम कर रहे हैं ये एसिड का और ये सल्फर का, इस तरह से हम 35-40 ईयर्स के बाद जो हमारी आँख की नज़र कम होती जा रही है, इस वजह से बहुत सारे सुनार 40 ईयर्स के बाद काम करना सको और दूसरा काम नहीं जानते हुए ये लोग बहुत सारी मुश्किल उठा रहे हैं। और जो हर हालत में जो हम लोग प्रॉब्लम है, जो सुनार को ख़ास तौर से कुछ एक पिंचन दिया गया तो कुछ बेहतर होगा, जो 45 ईयर्स के बाद सुनार काम नहीं कर सकता है वो बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट किसान को बहुत जो इम्पोर्टेंस देती है, जो हमारे सुनार को गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी जो इसमें इम्पोर्टेंस नहीं देती है, और जो गवर्नमेंट खुद से कुछ भी हम लोग नहीं आता है, जो आज ये जो पर्चे कार्ड है ये तो इसके लिए आप लोगों का मैं ख़ास तौर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो पर्चे कार्ड फ्यूचर में हम लोगों को इसके तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या रहेगा तो ये पर्चे कार्ड डेवलप होने के लिए कुछ टाइम पड़ता है, तब तक जो सुनार है, जो आम सुनार आम कारीगर है वो बहुत दीन स्थिति में है। और जो हमारे आंध्रा में तकरीबन हफ्ता या दो हफ्ते के अंदर कोई ना कोई सुइसाइड कर मर जाता है, किस लिए मर जाता है वो उसको करने के लिए काम नहीं और दूसरा काम करने भी हाथ होता नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो काम वो जो खाली है काम ना है सका, उन लोगों को जो काम आता नहीं है, को तो इसके पहले काम ज़्यादा था, अब काम कारीगर कम होता आता है, जो ऐसा काम खा नहीं सका खाली है सो सुनार के वास्ते, कुछ आप सोच कर इसके जो इसके फैक्ट्री में कुछ जमाना है या ने खुद का कुछ ना कुछ काम हाथ से लगा देना है, या कॉरपोरेट माल्स जो है वो एसोसिएशन के अंडर में कुछ ना कुछ जो हैंडमेड जो काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक कोई भी एक फैक्ट्री आती है जो लोकल वाले को कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं, एक 20% या 40% लोकल जो फैक्ट्री आती है इंडस्ट्री में है जो लोकल वाले को प्रेफरेंस करती है, इसी तरह जो कॉरपोरेट माल्स जो है, इसलिए ये माल्स से जो हैंडमेड से जितने भी तो छोटा तैयार होता है हैंडमेड से अंगूठी या रिंग या चेन, ये लोकल एसोसिएशन से जो ये काम नहीं है सुना को कुछ ना कुछ डायरेक्ट काम आने का कुछ आप गिना इसका इंतज़ाम किया तो सुनार आपको कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सर। हेलो, अभी जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने अभी एक पास किया है कि हम रोल मॉडल वर्कशॉप बनाएंगे विद इंडस्ट्री की हेल्प से, तो हर रीजन में, तो उससे अपग्रेड जो आपका जो सल्फर ये जो आपने प्रॉब्लम्स बताया है वो सब उसमें एड्रेस होगा, आप लोगों को उसी हिसाब से फिर आगे काम करेंगे और सरकार से बात करेंगे, सरकार से भी हम कुछ कंट्रीब्यूशन लेंगे
इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन होगा, जीजेईपीसी कंट्रीब्यूट करेगी और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो पूरा देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। सर सर मेरा मानना है कुछ जो जो नज़ीक के जो माल है कॉर्पोरेट माल से कुछ ना कुछ 10% या 20% जो लोकल एसोसिएशन के जरिए कुछ माल काम देना बहुत ज़रूरी है सर। नहीं के बोले तो आप थोड़ा जान कर लिए, जो हमारे आंध्र प्रदेश में गए हफ्ते दो लोग मरे थे सुसाइड करके, किस वजह सुसाइड करके, आर्थिक परिस्थिति, सुसाइड किस लिए, आर्थिक परिस्थिति, काम नहीं है, इधर उधर खर्च करता है, उसके बाद खर्च फेर ना सको जाता है, कुछ आदमी घर के पूछते हैं उसको वो वापस देना सको जाता है, इज्जत के मारे जाकर कुछ लोग पानी में कूद के सुसाइड किया, कुछ लोग रेलवे गेट पर सुसाइड किया, आप जान सकते, आप जान ले सकते हैं होना आंध्र।